नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हायोसाइन इंजेक्शन का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, हायोसाइन इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है और हायोसाइन इंजेक्शन की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में हायोसाइन इंजेक्शन को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। हायोसाइन इंजेक्शन का उपयोग पेट में दर्द और पेट में ऐंठन होने पर किया जाता है। हायोसाइन इंजेक्शन पेट की मांसपेशियों व पेट की आंतों को रिलैक्स करता है और पेट के दर्द और पेट की ऐंठन को ठीक करता है। हायोसाइन एक सॉल्ट नेम है। हायोसाइन इंजेक्शन को बुस्कोपेन और बस्कोगेस्ट आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। हायोसाइन इंजेक्शन के एक एम्प्यूल में 20 mg हायोसाइन दवा होती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में हायोसाइन इंजेक्शन की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में हायोसाइन इंजेक्शन की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, मुंह में सूखापन, नींद अधिक आना, धुंधला दिखाई देना, घबराहट होना, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस और शरीर में कमजोरी होना आदि साइड इफेक्ट्स हायोसाइन इंजेक्शन की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हायोसाइन इंजेक्शन को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। हायोसाइन इंजेक्शन को इंट्रामस्क्यूलर और इंट्रावेनसली दोनों ही तरह लगाया जा सकता है। इंट्रामस्क्यूलर यानी मांसपेशियों में और इंट्रावेनसली यानी नसों के द्वारा। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर हायोसाइन 20 mg इंजेक्शन को दिन में 2 से लेकर 3 बार लगाने की सलाह देते हैं। लेकिन हायोसाइन इंजेक्शन की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको हायोसाइन इंजेक्शन को लगवाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में हायोसाइन इंजेक्शन को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। आँखों में ग्लूकोमा होने पर, पेट की आंतों में रुकावट होने पर, हार्ट बीट तेज होने पर, मुंह से कुछ निगलने में परेशानी होने पर और मायस्थेनिया ग्रेविस होने पर हायोसाइन इंजेक्शन को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना हायोसाइन इंजेक्शन को नहीं लगवाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हायोसाइन इंजेक्शन या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को हायोसाइन इंजेक्शन को नहीं लगवाना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि हायोसाइन इंजेक्शन प्रेग्नेंट महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है या नहीं, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी हायोसाइन इंजेक्शन को लगवाना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए डॉक्टर केवल ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को हायोसाइन इंजेक्शन को लगाने की सलाह देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका हायोसाइन इंजेक्शन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।